हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SBS इंग्लिश क्लासेस। वी आर हेयर टू स्टडी वीडियो नंबर 4 फ्रॉम द लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो ईश्वरन इससे पहले वीडियो में एक हाथी की कहानी का वर्णन कर रहा था। एक हाथी की कहानी अपने मालिक, अपने अधिकारी महिंद्रा को सुना रहा था। उससे आगे आइए हम इसमें वीडियो नंबर 4 में इस कहानी को पढ़ते हैं, आगे लेखक क्या कहता है। और कहानी को शुरू करने से पहले आपको फिर से यही बात रिमाइंड करना चाहते हैं कि अपने क्लास के कार्य को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे ईश्वरन क्या कहता है कि जब स्कूल में हाथी घुस जाता है तो सारे अध्यापक छज्जे पर चढ़ जाते हैं, कोई भी जमीन पर नहीं रहता। तो फिर उससे आगे क्या होता है, ईश्वरन क्या कहता है देखते हैं। आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। ईश्वरन कहता है आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था इन द जूनियर क्लास, जूनियर कक्षाओं में, कक्षा में, एट दैट टाइम उस समय पर, उस समय मैं जूनियर कक्षा में पढ़ रहा था। तो जूनियर कक्षा का अर्थ होता है कि ईश्वरन या तो कक्षा छः में होगा या 7 में होगा या 8 में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यही जूनियर कक्षाएं होती हैं। तो कहता है कि मैं उस समय जूनियर कक्षा में पढ़ रहा था एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा, एंड वॉज वॉचिंग और देख रहा था द होल ड्रामा सारा नाटक फ्रॉम द रूफ टॉप छत से, मकान की छत से ये सारा ड्रामा मैं देख रहा था। यानी कि जो ईश्वर है वह भी स्कूल की छत पर चढ़ा हुआ था। आई डोंट नो वाट केम ओवर मी सडनली, आगे कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वाट केम ओवर मीन्स इंस्पायर्ड, कि किस चीज ने प्रेरित किया मी, मुझको, सडनली अचानक, मुझे नहीं पता कि मुझे किस चीज ने अचानक प्रेरित किया या अचानक मुझे क्या हो गया। ईश्वरन कहता है मुझे नहीं पता। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन। आई ग्रैब्ड, मैंने छीन ली, झपट कर ले ली एक कैन, कैन मीन्स डंडा, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, जितने भी टीचर्स थे उनमें से एक टीचर के हाथ में डंडा था तो मैंने उस डंडे को झपट लिया या छीन लिया। और फिर क्या हुआ, उस डंडे को लेकर के रैन डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स में जीने से, फिर मैं जीने से नीचे की ओर दौड़ा एंड इन टू द ओपन, और खुले में आ गया। जीने से नीचे उतरते हुए मैं खुले में आ गया, कौन आ गया, ईश्वरन। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मैंने सिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। आगे कहता है लेखक कि द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी ने चिंघाड़ा, एंड मैंने सिंगली स्वंग ए ब्रांच, मैंने सिंगली मीन्स डराते हुए, स्वंग मीन्स हिलाई, घुमाई ए ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ की शाखा को। और फिर हाथी ने, पहले तो हाथी चिंघाड़ा और फिर मुझे, ईश्वरन कहता है कि मुझे डराते हुए उसने पेड़ की उस शाखा को घुमाया, झुलाया, विच
इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिसे जिस शाखा को इट हेल्ड वह हाथी हेल्मिस लिए हुए था या पकड़े हुए था, इन इट्स ट्रंक अपनी सूंड में, जिस शाखा को हाथी अपने सूंड में पकड़े हुए था उसको मुझे मैंने सिंगली मीन्स मुझे डराते हुए उसको उसने अपनी सूंड में ही घुमाया। इट्स फीट किकिंग अप ए लोट ऑफ मड एंड डस्ट। आगे कहता है इट स्टाम्प्ड इट्स फीट, उसने जमीन में अपना पैर मारा। किकिंग अप, लात मारते हुए, ए लोट ऑफ मड, कीचड़, बहुत अधिक कीचड़ उठाई। एंड डस्ट, और धूल, जब हाथी ने जमीन में पैर मारा तो उसकी लात से बहुत अधिक कीचड़ और धूल ऊपर की ओर उठी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये हाथी लुक्ड दिखाई दे रहा था, फ्राइटनिंग डरावना, ये हाथी डरावना दिखाई दे रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड, स्टिक डंडे को इन हैंड हाथ में लिए हुए, पर मैं डंडे को हाथ में लिए हुए मूव्ड बढ़ा स्लोली धीरे धीरे टुवर्ड्स इट, हाथी की ओर, हाथ में डंडा लिए हुए, परंतु मैं हाथ में डंडा लिए हुए धीरे धीरे हाथी की ओर बढ़ा। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। पीपल, लोग वर वॉचिंग, देख रहे थे द सीन, इस दृश्य को, हिप्नोटाइज्ड, सम्मोहित होकर या मंत्रमुग्ध होकर, फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, नियर बाई मीन्स आसपास की, हाउस टॉप्स घरों की छतों से, लोग आसपास के घरों की छतों से सम्मोहित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेडी टू क्रश, सॉरी टू रस टूवर्ड्स मी। द एलिफेंट लुक्ड एट मी, हाथी ने मेरी ओर देखा, रेड आइड, लाल आंखों से, रेडी टू रस, दौड़ने को तैयार, टूवर्ड्स मी, मेरी ओर दौड़ने को तैयार। हाथी ने लाल आंखों से मेरी ओर देखा और मेरी ओर दौड़ने को तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, हाथी ने अपनी सूंड को उठाया, एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मटरिंग ऑल माई फोर्स व्हैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मूव्ड, मैं बढ़ा, फॉरवर्ड, आगे की ओर, उसी पल मैं आगे की ओर बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग मीन्स जुटाते हुए, ऑल माई फोर्स, अपनी सारी शक्ति को जुटाते हुए, एकत्रित करते हुए, व्हैक्ड, प्रहार किया, मारा। इट्स थर्ड टोनेल, उसके पैर के तीसरे नाखून पर, ऑन द क्विक, तेजी से, और तेजी से हाथी के पैर के तीसरे नाखून पर प्रहार किया। किसी से डंडा उसने किसी गुरु से लिया था, किसी अध्यापक से छीना था, तो उसी पल मैं तेजी से आगे बढ़ा और अपनी सारी शक्ति को जुटाते हुए, एकत्रित करते हुए, हिम्मत बांधते हुए या हिम्मत के साथ,
तेजी से हाथी के पांव के तीसरे नाखून पर उस डंडे से जोर से मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टंड फॉर ए मोमेंट। द बीस्ट वह हाथी लुक्ड स्टंड बेहोश हो गया फॉर ए मोमेंट पल भर के लिए। पल भर के लिए वह बेहोश हो गया या हक्का बक्का रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट। और फिर वह सिर से लेकर के पैर तक कांपा। देन कलैप्स्ड और फिर वह बेहोश होकर के गिर पड़ा। द बीस्ट बीस्ट लुक्ड स्टंड फॉर ए मोमेंट। वह हाथी वह जानवर लुक्ड स्टंड फॉर ए मोमेंट पल भर के लिए अवाक हो गया, घबरा गया और फिर सिर से लेकर के पांव तक कांपा। एंड कॉलेप्स्ड और बेहोश होकर के गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मंबलिंग। एट दिस पॉइंट इस बिंदु पर ईश्वरन वुड लीव ईश्वरन छोड़ देता है द स्टोरी कहानी को अनफिनिश्ड अधूरी बिना समाप्त किए। इस बिंदु पर ईश्वरन कहानी को अधूरा ही छोड़ देता है। एंड गेट्स अप मंबलिंग और गेट्स अप मीन्स उठ जाता है, मंबलिंग बड़बड़ाते हुए और बड़बड़ाते हुए उठ जाता है। यानी कुछ कहता है, क्या कहता है? आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। आई विल बी बैक मैं वापिस आऊंगा आफ्टर बाद में लाइटिंग द गैस गैस को जलाने के एंड वार्मिंग अप द डिनर और भोजन को गर्म करने के बाद। उसने यानी कि इस बिंदु पर कहानी को बीच में ही रोक करके ईश्वरन कहानी को बीच में रोक करके बड़बड़ाते हुए उठता है और कहता है कि मैं गैस को जलाने और भोजन को गर्म करने के बाद वापिस आऊंगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग जो सुन रहा था विद रैप्ट अटेंशन ध्यान मग्न होकर या बड़े ध्यान से वुड बी लेफ्ट हैंगिंग बीच में ही लटका रह गया। यानी कि महेंद्र जो ईश्वरन का अधिकारी था और ईश्वरन की कहानी को बड़े ही विद रैप्ट अटेंशन बड़े ही ध्यान से सुन रहा था वुड बी लेफ्ट हैंगिंग बीच में ही लटका रह गया, कहानी पूरी ही नहीं हुई। फिर क्या होता है? व्हेन ही रिटर्न्ड जब वह वापस आया ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। जब वह वापस आया तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप ईश्वरन ने शुरू नहीं किया। द पिकअप मीन्स उठाना से है, उठाया नहीं उठाया या नहीं उठाता। द थ्रेड धागे ऑफ द स्टोरी कहानी के राइट वे ठीक वहां से जहां से उसने कहानी को छोड़ा था। लेकिन जब वह आया तो ईश्वरन ने कहानी को ठीक वहां से शुरू नहीं किया जहां उसने छोड़ा था। महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। तो फिर क्या होता था? जो महेंद्र नाम का उसका बोस था, महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था दैट द कंक्लूजन
कि कहानी का निष्कर्ष वाच पेंडिंग विचाराधीन है या अभी बाकी है। कहानी का अंत अभी बाकी है, ऐसा महेंद्रा को ईश्वरन को याद दिलाना पड़ता। वेल अच्छा, ए वेटरिनरी डॉक्टर वाज समंड टू रिवाइव द एनिमल। अच्छा, वेटरिनरी डॉक्टर मीन्स पशु चिकित्सक, वाज समंड बुलाया गया टू रिवाइव ठीक करने के लिए, होश में लाने के लिए द एनिमल उस हाथी को, उस जानवर को। ईश्वरन कहता है अच्छा तो ए वेटरिनरी डॉक्टर, एक पशु चिकित्सक को उस जानवर को हाथी को होश में लाने के, रिवाइव मीन्स होश में लाना, या वैसे रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित करना होता है, वो बेहोश हो गया तो उसको ठीक करने के लिए, होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन वुड श्रग, श्रग मीन्स कंधे उचकाना या मटकाना, कैजुअली मीन्स आकस्मिक रूप से। ईश्वरन आकस्मिक रूप से अपने कंधों को मटकाता या उचकाता। टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू दी जंगल। आगे कहता है ईश्वरन, टू डेज लेटर, दो दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे, इट हाथी के लिए आया है, द एलिफेंट वॉज लेड अवे, हाथी को ले जाया गया, By its महावत उसके महावत के द्वारा, to the jungle जंगल में, दो दिन बाद हाथी को उसके महावत के द्वारा जंगल में ले जाया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब तो इसलिए करना है ताकि आपको अपनी कक्षा का कार्य मिलता रहे, और लाइक कमेंट इसलिए करना है ताकि आपके लाइक कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती रहे, प्रोत्साहन मिलता रहे, और हम कार्य को और अधिक अच्छे ढंग से आपको उपलब्ध कराते रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे इस वीडियो के बाद, वीडियो नंबर 5 में इसी लेसन की। थैंक्स।